बढ़ते हैं आगे लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, क्राउड स्ट्राइक की अपडेट से माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस ठप है। लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर भी उड़ानें बाधित हुई हैं। एयरपोर्ट पर हंगामे जैसे हालात बन गए हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की फ्लाइट भी लेट हो गई है। तो क्राउड स्ट्राइक के अपडेट से माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस ठप हो जाने से एयरलाइंस पर काफी ज्यादा असर पड़ा है। कई सेवाएं पूरी तरह से ठप हो गई हैं। ये लखनऊ है चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं, जहां पर लगातार जो यात्री हैं उनकी भीड़ बढ़ती जा रही, क्राउड बढ़ता जा रहा है क्योंकि सर्विस और सेवाएं पूरी तरह से ठप हैं। तो अमौसी एयरपोर्ट की ये तस्वीरें हैं जहां पर भारी भीड़ देखी जा रही है यात्रियों की। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जो कि आज लखनऊ पहुंचे थे सम्मेलन में शामिल होने के लिए, उनकी फ्लाइट भी लेट हो गई है। तो हंगामे जैसे हालात इस वक्त लखनऊ एयरपोर्ट पर बने हुए हैं। लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट की ये तस्वीरें हैं। कई फ्लाइटें रीशेड्यूल की गई हैं, कई फ्लाइटों को रद्द कर दिया गया है। तो आज माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस ठप होने से काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उन यात्रियों को जो कि दूसरे शहरों की यात्रा करने के लिए विमान सेवाओं का सहारा लेते हैं। ऐसे में आज सर्विस ठप होने से काफी ज्यादा लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट की ये तस्वीरें हैं जहां पर हंगामे जैसे हालात बन गए हैं। और ये सिर्फ लखनऊ की नहीं, अलग अलग बड़े बड़े शहरों के एयरपोर्ट की स्थिति कुछ ऐसी ही है। तो क्राउड स्ट्राइक के अपडेट से माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस आज पूरी तरह से ठप हो गई। लखनऊ एयरपोर्ट पर किस तरह के हालात इस वक्त बने हुए हैं वो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। लगातार एयरपोर्ट पर भीड़ बढ़ती जा रही है। जिन यात्रियों को सफर करके किसी जरूरी काम से दूसरे शहरों में जाना था, यहां तक कि कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी, उनकी भी फ्लाइट आज लेट हो गई जो कि लखनऊ पर पहुंचे थे। लखनऊ पहुंचे थे कृषि के सम्मेलन में शामिल होने के लिए और उसके बाद उन्हें जब वापस जाना हुआ तो उनकी फ्लाइट भी लेट हो गई। एयरपोर्ट पर इस वक्त भारी भीड़ देखी जा रही है। और चलिए इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में लखनऊ से संवाददाता शुभम हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, फिलहाल अभी एयरपोर्ट पर किस तरह की स्थिति है और जिस तरह से यात्रियों की परेशानियां बढ़ती जा रही है, इसको लेकर क्या समाधान फिलहाल एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से निकाला जा रहा है? देखिए, एयरपोर्ट अथॉरिटी की बात करें तो हमारी तमाम जो वहाँ के लोग हैं उनसे बातचीत हुई है, उनका साफ तौर पर देखिए यही कहना है कि ये जो समस्या है ये पूरी ग्लोबली समस्या है, तो लिहाजा अभी फिलहाल कुछ हल तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन लोगों को वो जरूर निश्चित तौर पर जो फ्लाइट अफेक्ट हो रही है उनको ये जरूर बताया जा रहा है कि समय दूसरी फ्लाइटों से भेजने की भी तैयारी की जा रही है, जिनकी फ्लाइट से में किसी तरह की समस्या ना हो। इसके साथ साथ जो अलग अलग तरीके की यहाँ पर लखनऊ एयरपोर्ट पर भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं जिससे कि यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, अन्य विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है। तो ऐसे में फिलहाल जो सेवाएं हैं वो तो फिलहाल सब नजर आती है। और इन सबके बीच में आज देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की राजधानी लखनऊ में थे और उनकी भी फ्लाइट करीब 2 घंटे तक खड़ी रही और उनको भी इस पूरी दिक्कत से समस्या से होकर के गुजरना पड़ा। तमाम तरह की परेशानियों के बीच में एक तरफ जहां पैसेंजर्स परेशान हैं तो वहीं इस पूरी समस्या से फिलहाल अभी सभी लोग जो है दिक्कत में दिख रहे हैं। और एयरपोर्ट अथॉरिटीज का ये साफ तौर पर कहना है कि ग्लोबली समस्या है, जैसे ही समस्या खत्म होगी वापस से व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलेंगी, लेकिन इन सबके बीच में यात्रियों को परेशानी ना हो इसका जरूर ध्यान रखा जाए। ठीक है शुभम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। और चलिए बढ़ते हैं आगे। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में खराबी के चलते